हेलो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर, आज की हमारी क्लास नंबर थर्ड नेविगेटिंग डॉक्यूमेंट। आपको पता है कि हम डोमेन नंबर वन के अंदर है। डोमेन नंबर वन के अंदर हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है कि नेविगेटिंग इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में नेविगेशन के मायने के डॉक्यूमेंट के अंदर मूव अराउंड करना। इसके लिए हम एमएस वर्ड पर चलते हैं। एमएस वर्ड पर फाइल ओपन और ब्राउज करके यहाँ से आपको जो फोल्डर दिया गया है उसके अंदर से ये टेम्पलेट्स खोल लीजिएगा। वेलकम टू द वर्ल्ड। ठीक, नेविगेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। मूव अराउंड करना, ये डॉक्यूमेंट है जो कि कंसिस्ट करता है हमारे पास 8 पेज के ऊपर। तो उसके अंदर हम कैसे नेविगेट करें, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप यहाँ पर लिखते हैं कोई भी चीज़ तो आपको नेविगेट करना आना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये लाइंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वर्ड्स हैं, पेजेस हैं। अगर मुझे किसी ख़ास पेज पे जाना है तो मैं वो भेज सकता हूँ। मुझे पेज टू पेज मूव करना है, मुझे पहले पेज पे आना है, आखिरी पेज पे आना है, या मुझे करेक्टर टू करेक्टर मूव करना है, पैराग्राफ मूव करना है, तो मैं सब कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन चीज़ें, जैसे आपको पता है कीबोर्ड के ऊपर डायरेक्शनल कीज़ होती है हमारे पास, तो ये जो आपको पता है कि राइट लेफ़्ट अप एंड डाउन की नहीं होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इन्हीं को यहाँ पे लेके चलूँ, तो अगर यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ W पे, तो अगर मैं राइट एरो की दबा रहा हूँ तो मैं करेक्टर टू करेक्टर मूव कर रहा हूँ, और अगर मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ तो करेक्टर टू करेक्टर बैक पीछे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये आ गया। अगर मैं इसके साथ कंट्रोल प्लस राइट एरो करूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो करता हूँ तो मैं वर्ड टू वर्ड आगे मूव करता हूँ। अगर मैं कंट्रोल प्लस बैक करता हूँ, जो कि लेफ़्ट एरो है हमारे पास, तो वर्ड टू वर्ड बैक मूव करता हूँ। फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस राइट एरो की और कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की, तो आप देख रहे हैं कि वर्ड टू वर्ड एक ही मूव कर रहा है आगे और पीछे मूव कर रहा है, क्लियर है। तो करेक्टर टू करेक्टर मूव करना, इसके अलावा वर्ड टू वर्ड मूव करना। अच्छा, अगर आप जो हैं वो ये चाहते हैं कि पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूव करें, तो इसकी नहीं, आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे दबाएंगे कंट्रोल प्लस डाउन, इससे नीचे जाएंगे, इससे ऊपर आएंगे पैराग्राफ के अंदर। क्या मतलब कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की कर रहा हूँ टू पैराग्राफ मूव कर रहा हूँ, कंट्रोल बस अप एरो की कर रहा हूँ तो पैराग्राफ टू पैराग्राफ बैक मूव कर रहा हूँ, तो एक पैराग्राफ ऊपर जाना या नीचे आ जाना। तो आपको पता है कि दिस वन कंट्रोल के साथ अगर मैं ऊपर कर रहा हूँ तो मैं पीछे आ रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप आगे मूव करें, इसके अंदर ये तो था कि आप ये क्विकली एरो टू एरो, करेक्टर टू करेक्टर, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, लाइन टू लाइन कर रहे हैं। अगर आप सिंपल एरो की दबा रहे हैं तो लाइन टू लाइन कर रहे हैं, डाउन एरो की, अप एन एरो की। इसके अलावा अगर आप पेज टू पेज मूव करना चाहते हैं तो आपके पास पेज अप पेज डाउन की कमांड होती है, पेज अप एंड पेज डाउन, ठीक है, आपके पास कॉमन कमांड है पेज अप पेज डाउन की, इनकी मदद से आप पेज अप और पेज डाउन नीचे हो सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, अगर आप सबसे पहले पेज पर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कंट्रोल प्लस होम, अगर आप दबा दें कंट्रोल प्लस होम दबाएं तो आप सबसे पहले पेज पे पहुंच जाएंगे, और अगर आप कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे तो सबसे आखिरी पेज पे पहुंच जाएंगे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पेज नंबर मैं 2 के ऊपर हूँ। अगर मैं कंट्रोल प्लस होम दबाऊँगा तो मैं पेज नंबर 1 पर पहुँच जाऊँगा, अगर मैं कंट्रोल प्लस एंड दबाऊँगा तो मैं आखिरी पेज पर। इसको डेमोंस्ट्रेट करते हैं। तो कंट्रोल प्लस हमारे पास होम, सबसे पहला पेज यहाँ पे स्टेटस बार पे नज़र आ रहा है, और कंट्रोल प्लस एंड करता हूँ तो सबसे आखिरी पेज पे नज़र आ रहा है। तो पेज टू पेज भी हम नेविगेट करना शुरू कर दिया। मैंने स्क्रॉल तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मुझे पेज टू पेज मूव करना है, पेज अप पेज डाउन, या तो सबसे ऊपर कंट्रोल होम या कंट्रोल एंड करके सबसे एंड में। अगर मुझे किसी ख़ास पर्टिकुलर पेज पर जाना है, पेज नंबर 4 के ऊपर, तो आई कैन यूज़ कि मैं यहाँ पे कंट्रोल जी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि अगर आप यहाँ पे जाएं फाइंड के अंदर गो टू की कमांड, ठीक है, कंट्रोल जी से गो टू, गो टू में आप किसी भी पेज सेशन लाइन जो हाँ भी जाना चाहें। मैंने अगर पेज नंबर मुझे 4 पे जाना है, 4 प्रेस करता हूँ, गो टू,
है, सीधा लाइन, लाइन नंबर 5 गो टू, कंट्रोल जी मैं दबाता हूँ स्क्रीन, ये कि अगर आप उसको कंट्रोल प्लस जी दबाएं तो गो टू कमांड है, कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शॉर्टकट्स याद रखिएगा, बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह नेविगेशंस और भी करते हैं, और भी नेविगेट करने के तरीके हैं। अब ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम नेविगेट करवा सकते हैं कंटेंट वाइज भी, वो कैसे कि अगर मैं व्यू में जाऊँ तो ये नेविगेशन आ रहा है। नेविगेशन पेन के अंदर ये टैब्स आ रहे हैं, हेडिंग्स, पेज एंड रिजल्ट्स, इनमें से कुछ फीचर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, हमें नेविगेट करने मूव अराउंड करने हैं, तो उसके अंदर ये हेडिंग्स आ रही हैं। अच्छा, हो सकता है कि आपके पास ना आए, अगर टेम्पलेट ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो आएंगी, क्योंकि ये हेडिंग्स जब भी नज़र आती हैं जब स्टाइल्स अप्लाइड हुए होते हैं, जाके जो आगे हमारे टॉपिक आएगा कि स्टाइल्स क्या होते हैं, अगर आपके पास हेडिंग्स के ऊपर स्टाइल्स डले हुए होते हैं तो वो आपके पास हेडिंग्स पर नज़र आएंगे, अदरवाइज सादी हेडिंग अगर आपने डालेंगे तो वो नज़र नहीं आएगी, भले आप यहाँ से भी फॉर्मेट कर लें। तो अगर हेडिंग टू हेडिंग नेविगेट करना है तो मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग टू हेडिंग नेविगेट कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी गुड, यूज़फुल। आपको प्रूफ रीडिंग करनी तो उसमें बहुत अच्छा है, आपने यहाँ तक काम कर लिया था, यहाँ तक कर लिया, उसके बाद आपने कहा यार अब मैं कल आके इस पर काम करूँगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे चलाएं पेज नेविगेट करें, पेज से पेज थंबनेल मिल रहा है, तो उससे आपको आसानी हो रही है कि एक प्रीव्यू मिल रहा है पेज का, मुझे झट से याद था कि यार मुझे ये बॉक्सेस वाली इमेजेस पे जाना, तो क्लिक कर लिया, मुझे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं कर रही है लिफ्टर के थ्रू। ये लिफ्टर से भी हम नेविगेट कर सकते हैं बाय द वे, कि अगर हम इसको क्लिक करके ट्रैक कर रहे हैं तो ये हम स्क्रॉल करके जा रहे हैं, ठीक है। और माउस के व्हील बटन से भी हम पेज डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड के हेडिंग्स हो गई, पेजेस हो गए हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ उसके साथ में तो एक एरो आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर सर्च फॉर मोर थिंग्स आ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं ग्राफिक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर 19 ग्राफिक्स हैं, इमेजेस टाइप की चीज़ें। अगर मुझे इनमें मूव करना है तो मैं बारी बारी मूव कर सकता हूँ अब डाउन, इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि अगर मुझे किसी एक इमेज के ऊपर स्टाइल डालना है, सब पे मुझे ड्रॉप शेडो डालना है या रिफ्लेक्शन डालनी है या बॉर्डर डालना है, तो मैं सब पे जाके डाल सकता हूँ, मुझे स्क्रॉल करके ढूंढना नहीं पड़ेगा इमेज। तो इससे कितनी आसानी हो रही है, देखें डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें जब पता चलती हैं जब आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है, अच्छा मज़ा आता है। एक पेज का डॉक्यूमेंट में मज़ा नहीं आता, अब वो दौड़नी है एक पेज दो पेज वाली चीज़ें, ऐसे सिंपल टाइपिंग करें लेटर वेटर नहीं, आपका काम कंपोजिंग करने का नहीं है भाई, आपका काम पेज लेआउटिंग का है। अक्सर बच्चे आते हैं मुझसे बोलते हैं कि वो सर टाइपिंग स्पीड, मैंने कहा भाई टाइपिंग तो मेरी भी अच्छी नहीं है, मैं तो लेआउट और डिज़ाइनर हूँ। तो आप टाइपर्स नहीं हैं, आप टाइपिंग स्पीड आपकी काम से तेज़ होती है, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे, इस तरह हम और भी चीज़ों को देख सकते हैं। टेबल्स, अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल है तो उसने मुझे बताया कि 3 टेबल हैं, मैं इस पर दूसरे के ऊपर हूँ, टेबल टू टेबल भी हम नेविगेट कर सकते हैं। इस तरह की हमारे पास और भी कंटेंट्स हैं, उन पर भी नेविगेट कर सकते हैं अगर वो मौजूद है। जैसे अभी कमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो कोई कमेंट्स यहाँ पे नहीं है इस वक्त, ठीक है, नो मैचेस। तो ये देखें कितना आसान है आपके पास कि नेविगेशन आपकी नहीं आनी चाहिए। एक और चीज़ मैं नेविगेट में करवाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास दो डॉक्यूमेंट खुले हुए, मैंने यहाँ पर कहा कि ब्राउज़ करता हूँ और एक डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पर ये खोल लेता हूँ, थैंक यू, ओके। तो अगर मुझे डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट नेविगेट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड्स ऑप्शन है वो ये होता है कि हम व्यू में आते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम स्विच विंडो कर रहे हैं, ठीक है। तो स्विच विंडो में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू वर्ल्ड, ये दूसरी डॉक्यूमेंट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट स्विच नेविगेट करने तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह आप व्यू साइड बाय साइड आप देखिए, ये सारी चीज़ें नेविगेशन करने के लिए, यू साइड बाय साइड बहुत अच्छा है कि दो डॉक्यूमेंट आपने बनाए, एक डॉक्यूमेंट इस ये इसका इस्तेमाल मैं बहुत करता हूँ। अगर एक डॉक्यूमेंट आपने डिज़ाइन करा है क्लाइंट के लिए, उसको थीम दिखाने के, भाई ये थीम का डॉक्यूमेंट ऐसा है, पहला ये ए है और ये डॉक्यूमेंट बी है, इसको रिज्यूम कर लें कि सपोज कर लें सॉरी कि ये डॉक्यूमेंट बी है, इसी का डुप्लीकेट है। तो अगर मैं इसमें थीम चेंज कर दूँ कलर और क्लाइंट को मैं दिखाऊंगा तो क्लाइंट चूज़ कर लेगा भाई इसमें से कौन सा आना चाहिए। अब मैं अपनी नहीं भी बना रहा हूँ तो मैं अक्सर डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ और कंपेयर करके चेक कर लेता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, कि इस तरह से चेक करने में मुश्किल होती है अगर मैं एक एक को पलट पलट के देखता रहूँ, ठीक है। तो ये बोनस टिप्स थी, आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। अब क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट को खोल लिया, सॉरी हमने डॉक्यूमेंट के इंटरफेसिस को देख लिया, वर्ड के इंटरफेसिस को देख लिया,
इसके अलावा हमने डॉक्यूमेंट क्रिएशन पे अभी हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। उससे पहले अगर हम देखें तो हमने गेट स्टार्टिंग वर्ड, अब आपको पता चल होगा वर्ड कितना बड़ा है, कि वर्ड के अंदर अभी आपने काम करना शुरू नहीं करा, उससे पहले आपके लिए वर्ड क्या है, वर्ड का काम क्या है, टूल इंटरफेसेस, वर्ड ऑप्शन, नेविगेटिंग डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे क्रिएटिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।